थ्री ने सारे पैसे वसूल दिए और इस बात का एहसास तब हुआ जब पिक्चर का एंडिंग पार्ट देखा गया। जी हाँ, प्रेम गीत थ्री के आखिरी पार्ट ने हॉल में बैठे सभी लोगों को शॉक कर दिया। एंडिंग पार्ट में कुछ ऐसा दिखाया गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एंडिंग पार्ट में कुछ ऐसा था जिसने हर किसी की आंखें खोल दी और सोचने पर मजबूर कर दिया, कमेंट करने पर मजबूर कर दिया, सवाल करने पर मजबूर कर दिया। लोग ज्यादा देर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो चलिए आपको प्रेम गीत थ्री का वो शॉकिंग पार्ट दिखाते हैं, और तो और जिसपे पवनदीप अरुणता दिखाई दिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे कि हमारा जंगल वाला न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वैसे आपको क्या लग रहा होगा प्रेम गीत थ्री के आखिरी पार्ट में क्या होगा? शायद आप भी पवन अरुणता का नाम ही बोलेंगे, तो आपका विचार बिल्कुल सही है। जी हाँ, प्रेम गीत थ्री फिल्म के आखिरी पार्ट में पवनदीप अरुणिता दोनों एक साथ गाना गाते दिखाई दिए और इस बात का जिक्र भी किसी ने नहीं किया। यानी कि ये सब पवनदीप अरुणता के लिए सरप्राइज था, पवनदीप अरुणता के फैंस के लिए सरप्राइज था, वो भी किसी खूबसूरत जगह पर गाना गाते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि प्रेम गीत थ्री का एंडिंग पार्ट बताया जा रहा है। फिल्म के आखिरी पार्ट में पवनदीप अरुणिता किसी रेगिस्तान वाली जगह पर कोई ना कोई नाता है गाना गाते नजर आ रहे हैं, और जैसे ही पवन अरुणिता दिखाई दिए हॉल में सब उठकर खड़े हो गए, सीटियां बजने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पवन अरुणिता ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। इस बात का जिक्र उन्होंने एक बार भी नहीं किया। हालांकि कई बार पवनदीप प्रमोशन करने गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि इस फिल्म में पवनदीप अरुणिता दोनों दिखाई देंगे। उनकी कुछ मिनट की ये झलक देखकर फैंस खुशी से पागल हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे पवनदीप अरुणिता की ही ये फिल्म है। उम्मीद है प्रेम गीत थ्री मूवी अब तक आपने देख ली होगी, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बेहतरीन बताई जा रही है। इसे देखने के बाद लोग यही बोल रहे हैं कि पैसा वसूल हो गया। आप इस पर क्या अपनी राय देंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस प्रेम गीत थ्री फिल्म रिलीज होते ही हिट नहीं बल्कि सुपर हिट गई, जिसकी एक वजह पवनदीप राजन भी हैं। हालांकि इस फिल्म में पवनदीप की एक झलक भी नहीं दिखी, लेकिन उनका नाम जुड़ते ही फिल्म हिट हो गई। पवनदीप के लाखों फैंस आज पवनदीप की ये फिल्म देखने पहुंचे हैं। फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद किया गया था, ऐसे में फिल्म देखने के लिए फैंस पहले से ही एक्साइटेड थे। ये फिल्म मात्र 3 करोड़ के बजट के साथ रिलीज की जा रही है, जिसके विजुअल्स बॉलीवुड की 100 करोड़ फिल्मों से भी ज्यादा अच्छे बताए जा रहे हैं। नेपाली फिल्म प्रेम गीत थ्री, जिसके लीड में आपको प्रदीप खड़का, क्रिस्टीना गुरुग और शिवा श्रेष्ठा नजर आने वाली। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है चेतन गुरुग ने, और फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और एक एक्शन थिएटर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 सितम्बर को ही रिलीज कर दिया गया है, जो की वाकई पवनदीप के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म का 2 मिनट का ट्रेलर एक्शन, विजुअल्स और बेहतरीन लोकेशन से भरा हुआ दिखाई दिया था। यही वजह है कि यह फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 2 से 3 करोड़ की कमाई की, तो हिंदी में ही इसे ले सकते हैं। हालांकि इस फिल्म का कलेश सनी देओल की फिल्म चुप से हो रहा है, लेकिन जिस तरह से शानदार गाने और फिल्म में हमें सुनने को मिल रहा है कि ट्रेलर भी धमाकेदार देखने को मिला था, उसके बाद प्रेम गीत थ्री इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सरप्राइज हिट फिल्म बन सकती है और कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रेम गीत थ्री इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो पहले दिन ही 3 करोड़ की ओपनिंग लेगी, वहीं ये फिल्म नेपाली बॉक्स ऑफिस पर भी पहले ही दिन 1 से 1.5 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। इस फिल्म को हिट होने के लिए मात्र 3 से 4 करोड़ की कमाई करनी है। अगर ये फिल्म हिंदी में भी अपने पहले दिन 3 करोड़ की ओपनिंग ले लेती है तो ये फिल्म पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाई जाएगी। ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद ये फिल्म हिंदी में 15 से 20 करोड़ की भी कमाई कर सकती है। वहीं वर्ल्ड वाइज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 20 से 30 करोड़ का भी हो रह सकता है। अब देखना यही है कि प्रेम गीत थ्री की हिंदी ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी या नहीं। बाकी आपकी राय है इस फिल्म के लेकर, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ज्यादा अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। तो पवनदीप का नाम भूमि 2 प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है।
और अब तक पवनदीप ने भूमि 2 प्रोजेक्ट के कई वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिए हैं। हालांकि पवनदीप के नए और बड़े प्रोजेक्ट की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम आपको बता दें कि भूमि प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है, जिसमें कई बड़े बड़े सिंगर्स भी शामिल होते हैं। सभी की परफॉर्मेंस और आवाज को एक नए अंदाज में सलीम मर्चेंट बड़े प्लेटफॉर्म पर पेश करते हैं। ये प्रोजेक्ट कुछ सालों से हो रहा है, जिसमें जनता का एंटरटेनमेंट होता है और शूट करने के लिए काफी वक्त भी चाहिए होता है। आपको बता दें, पवनदीप पहले ही सलीम मर्चेंट के साथ अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, वो भी उत्तराखंड जाकर, और कुछ हिस्सा अभी भी बाकी रह गया है, जो कि कल पवनदीप ने पूरा भी कर लिया है। सुनने में आ रहा है कि भूमि 2 प्रोजेक्ट मुंबई के मठ आइलैंड में शूट किया जा रहा है, जो वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, मुंबई की शान कही जाती है। पवनदीप भी कल यहां पहुंचे, कई स्टार्स से मिले, जिसकी पिक्चर पवनदीप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और भी अपडेट आने वाली है, जो हम आप तक शेयर करते रहेंगे। दरअसल 2 दिन पहले पवनदीप अपनी फिल्म प्रेम गीत 3 के प्रमोशन के लिए देहरादून गए थे। वो उत्तराखंड के सीएम से भी मिले, उसके बाद वो देहरादून के कुछ दोस्तों से भी मिले और दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्त काफी दिन बाद पवन से मिले थे, इसलिए उन्होंने होटल में डिनर करने की प्लानिंग की। पवनदीप अपने दोस्तों के साथ देहरादून के एक बढ़िया होटल में चले गए और जैसे ही पवनदीप होटल में एंट्री करते हैं, वैसे ही स्टाफ ने पवनदीप को घेर लिया और एक एक करके सभी ने पवनदीप के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ लिया। इतना ही नहीं, होटल के मालिक और मैनेजर भी इस भीड़ में शामिल थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, स्टाफ मालिक मैनेजर के बाद होटल के कस्टमर भी पवनदीप के पास लाइन लगाकर आने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पवनदीप को करीब 1-2 घंटे तक अपने फैंस को सेल्फी लेने में और उन्हें ऑटोग्राफ देने में लग गया। जी हाँ, 1-1.5 घंटे बाद पवनदीप को डिनर सर्व किया गया और फिर पवनदीप और उनके दोस्तों ने खाना खाया। होटल के स्टाफ ने पवनदीप की खूब तारीफ की। होटल के स्टाफ ने बताया कि यहाँ के सारे लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और इस होटल में पवनदीप के ही गाने प्ले होते हैं, उनकी हर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पवनदीप अपना खाना छोड़कर फैंस को खुश करने में लगे थे, तो पवनदीप और कैसे होंगे। पवनदीप हमेशा से अपने फैंस को पहले नंबर पर रखते हैं, तो नेक दिल पवनदीप के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अपनी टीम के साथ हॉलैंड के लिए निकल चुके हैं और एयरपोर्ट पर सब इकट्ठे हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट से इनकी पहली पिक्चर सामने आ गई है। एयरपोर्ट पर पवनदीप के साथ काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कहीं भी अरुणिता कांचीलाल नहीं दिखाई दी। अरुणिता कांचीलाल के बिना ही पवनदीप हॉलैंड जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार ऐसा टूर है जहां पवनदीप के साथ अरुणिता नहीं जा रही है और ये वाकई बहुत शॉकिंग खबर है। अरुणिता को ना देखकर फैंस काफी निराश भी हैं, गुस्सा भी और तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। आखिर क्या इनके बीच मनमुटाव हो गया है, जिसकी वजह से अरुणिता कांचीलाल दिखाई नहीं दे रही हैं? आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से अरुणिता हॉलैंड नहीं जा पाई हैं? हाल ही में पवनदीप जब लाइव आए थे, उन्होंने हॉलैंड टूर से जुड़ी अपडेट दी थी, तब भी उनके साथ अरुणिता नहीं दिखाई दी थी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि अरुणिता अचानक आकर अपने फैंस को सरप्राइज देंगी, लेकिन यहां तो पिक्चर में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखाई दी है, ऐसे में लोग घबराए भी बैठे हैं। वहीं आपको बता दें, पवनदीप के साथ इस बार अरुणिता की जगह षणमुख प्रिया जा रही है। षणमुख प्रिया के साथ उनकी माँ भी नजर आ रही है और काफी सारे लोगों की भीड़ है। कल रात ये घर से निकले और जल्द ही हॉलैंड पहुंचने वाले हैं। हॉलैंड पहुंचते ही पवन यहां की खूबसूरती दिखाने वाले हैं और बहुत सी जगह भी घूमने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप काम के साथ जिस जगह जाते हैं, वहां का नजारा लोगों को दिखाते हैं, तो आप भी पवनदीप के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं।